आप सबको मेरा जय जनंदर सादर प्रणाम नमस्ते सत अकाल आदाब मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आज शनिवार के दिन आप अपना समय निकाल के यहाँ पे हमें सुनने के लिए आए हैं आज मैं आपके साथ डिप्रेशन एंड सीनियर्स या डिप्रेशन एल्डरली के बारे में कुछ बातें या वार्तालाप करूँगी पहले तो हम ये जानें कि डिप्रेशन है क्या और इसे हम कैसे आ, पहचान सकते हैं डिप्रेशन लेमैन की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बेानतहा उदासी ज़रूर से ज़्यादा उदासी होना और डी एस एम फाइव एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसके मुताबिक जो मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में सिम्टम्स बताऊँगी उनमें से कोई पांच सिम्टम्स हों जो लगातार दो हफ्ते के पीरियड में कंसिस्टेंटली सुबह से लेकर शाम तक वो दिखाई देते हों पहले से जैसे जिस इंसान का मूड पहले अच्छा रहता वो एकदम उसमें बदलाव आ जाए और ऐसे उदासी दिखाने देने लगे और कोई मेडिकल इलनेस या फिर कोई दवाइयाँ या सब्सटेंस एब्यूज कोई ड्रग्स उसके कारण ना हो ये सब चीज़ें रूल आउट करके जो मैं आगे बताती हूँ जो उसके जो चिन्ह हैं अगर उनमें से पांच दिखाई देते हैं तो उसका सस्पेशन है डिप्रेशन का तो इनमें से क्या चीज़ें हैं डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द डे विथ क्राइंग और वीपिंग स्पेल्स मतलब जो इंसान जिसको डिप्रेशन की शिकायत हो रही है उसका मन उदास है वो कभी रोने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पे आंखों में आंसू आ जाते हैं फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो सारा दिन लगातार ऐसा चलता है और दो हफ़्तों के लिए तो ये सिम्टम होना ज़रूरी है इसके अलावा टोटल पाँच होने चाहिए इनमें से एक लॉस ऑफ प्लेजर या इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी दिलचस्पी नहीं जो पहले जिन चीज़ों में जिस किसी खेल में कढ़ाई में बुनाई में सिलाई में कुछ बातें करने में लोगों से मिलने में दिलचस्पी दिलचस्पी थी होती थी वो इंसान बिल्कुल चेंज हो जाता पिक्चरें देखने में मतलब तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती फिर भार वजन का बदलाव होना परसेंट इन अ मंथ आम तौर पर लोग डिप्रेशन के अंदर वेट लूज कर जाते हैं लेकिन कुछ मेरे जैसे हैं जो खाना भी ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो वेट गेन भी हो जाता है तो फाइव परसेंट चेंज इन वेट इन वन मंथ फिर नींद ना आना नींद का ना आना कोई एनर्जी नहीं होना रातों को आ, रातों को घी के दिए जलाना उठ उठ के मतलब एक दो घंटे नींद फिर उठ जाना फिर डिस्टर्बेंस रहना फिर, फिर वर्थलेसनेस एंड होपलेसनेस और सारा दिन थकावट महसूस करना लैक ऑफ़ स्लीप एंड एनर्जी तो होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस मीनिंग उम्मीद नहीं रहना किसी भी चीज़ में उम्मीद नहीं है और अपने आप के ऊपर विश्वास ना रहना कि मेरे से कुछ होता नहीं है मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ और अपने आप के ऊपर गलानी आनी शुरू हो जानी डिक्रीज एबिलिटी टू थिंक ऑन concentrate मतलब सोचने की शक्ति किसी चीज़ के कॉन्सनट्रेट करने की शक्ति उसमें कमज़ोरी आ जाने मेरे पास काफ़ी मरीज़ कई बार आते हैं मेमोरी लॉस के साथ मेरे को रेफर होते हैं क्योंकि यादाश्त कमज़ोर हो गई है और उम्र के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि डिमेंशिया का इतना ज़्यादा इस टाइम पे इंसीडेंस बढ़ रहा है तो सभी लोगों को उसका होता है कि डिमेंशिया हो रहा है पर एक्चुअली जब मैं पूरी टेस्टिंग करती हूँ और उनकी फ़ैमिली हिस्ट्री सुनती हूँ कोई ना कोई स्ट्रेसर होता है कोई ना कोई कारण होता है और कुछ टेस्टिंग टूल्स ऐसे हैं या उनसे बात करके मुझे महसूस होता है कि ये प्रॉब्लम डिमेंशिया के नहीं है ये फोकस की है तो ये जो डिप्रेशन है उसको पहले कभी एक ज़माने में सूडो डिमेंशिया भी कहते थे मतलब जो प्रतीत होता है डिमेंशिया लेकिन होता नहीं है तो उसका काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कॉन्सनट्रेशन uh, एबिलिटी के ऊपर काफ़ी असर करता है फिर जो डिमेंशिया वाला पेशेंट होता है वो कई बार आत्महत्या के विचार आते हैं उनको कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ या डेथ विशेस मतलब क्या इससे अच्छा तो मैं मारी जाऊँ ऐसी बातें करना या कोई आइडिएशंस करना या करने की कोशिश करना कई लोग अटैम्प्ट भी होते हैं कई उनके अटैम्प्ट भी कर, करते हैं प्लान बनाते हैं कि मैं ये कर मतलब आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ कई बार मेंशन भी करते हैं एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन इज़ नॉट अ नॉर्मल कंसिक्वेंस ऑफ एजिंग मतलब ये नहीं आप आपको सोचना चाहिए कि अब बड़ी उम्र के हो गए हैं अब यही होना है लाइफ में और क्या रहेगा डिप्रेशन ही होएगा ये बिल्कुल गलत है लाइफ जब तक भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है उसको जीना चाहिए क्योंकि दे जिंदगी देना और लेना उसके हाथ में है और ये हमारे कल्चर की सबसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है ये हमारी सब कल्चर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमें भगवान में इतना विश्वास है कि हम ज़्यादातर ये चीज़ें उनके हाथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि जब तक वो रखेगा जैसे रखेगा रहेंगे लेकिन ये चीज़ सोचना कि बड़ी उम्र में आके अब मैं अब क्या करूँगा इस उम्र में जाके क्यों खेलने जाऊँ इस उम्र में जाके मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनूँ और यू नो इन्जॉय क्यों करूँ लोग क्या कहेंगे तो वह सब चीज़ों के डर से आपने जीना बंद नहीं करना एल्डरली के अंदर स्पेसिफिकली सो that was जनरल डिप्रेशन अब एल्डरली के अंदर स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं कि रेट ऑफ डिप्रेशन जो ओल्डर लोग हैं जो बड़े उम्र के लोग हैं जो communities में रहते हैं जैसे घरों में रहते हैं सारी community के अंदर उनके अंदर रेट दो से दस percent देखा गया है जो हॉस्पिटल में होते हैं बड़ी उम्र के लोग उनके अंदर डिप्रेशन 30 परसेंट में पाया जाता है जो जिनमें स्ट्रोक हार्ट अटैक और कैंसर के मरीजों में थैंक्स स्ट्रोक हार्ट अटैक और कैंसर के मरीज़ों में, stroke, के मरीज़ों में um, 40 परसेंट से ज़्यादा डिप्रेशन uh, देखा जाता है और नर्सिंग होम के मरीजों में 50 परसेंट से ज़्यादा ये मेरी लाइफ लाइन है इनके बिना मैं कहीं जा नहीं सकती <laughs> तो मुझे डिप्रेशन होने के चांसेस कम ही लग रहे हैं अभी तो <laughs> <laughs> तो तो उस पुरानी स्लाइड की तरफ अगर हम ध्यान दें उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि जो कम्युनिटी में रहते हैं लोग उनको डिप्रेशन कम होता है इसका मतलब सोशल फैक्टर बहुत ज़रूरी है और इस देश में और हमारे देश में यही फ़र्क है कि यहाँ पे कोई बात करने को मिलता नहीं है पहले ज़माने में जैसे डॉक्टर चीमा कहते थे सेवेंटीज़ में सिक्सटीज़ में जो लोग आए थे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है वो कोई हमारे अंकल हैं यहाँ पर वो बता रहे थे कि जब मैं पहले आया था तो आ, कहते बहुत गिने चुने इंडियंस दिखाई देते थे तो मैं बाहर खड़ा अपने घर के कोई वेट कर रहा था कि कोई इंडियन आ जाए और मैं बात कर लूँ क्योंकि उनको लैंग्वेज का बैरियर भी था बात करनी नहीं आती थी गौरों के साथ अंग्रेज़ी में बात करने का मुश्किल होती थी तो कहते एक आदमी जा रहा था इंडियन तो मैंने उसको रोका कहता प्लीज़ मेरे सर रुक के बात कर ले थोड़ी देर मैं बहुत उदास हूँ और इस कंट्री में मेरा कोई है नहीं तो वो कहता नहीं मैं काम पर जा रहा हूँ मैं लेट हो जाऊँगा तेरे को कितने डॉलर मिलते हैं घंटे में तो वो कहता मुझे दस डॉलर मिलते हैं कहते ये ले दस डॉलर तो एक घंटा यहाँ खड़ा रहे <laughs> तो ये इस चीज़ की कमी है इस कंट्री में ओके okay, सो so, लेट लाइट लाइफ डिप्रेशन के कारण जैसे मैंने अभी बताया सबसे बड़ा कारण है सोशल आइसोलेशन सोशल आइसोलेशन मतलब बाकी नियर एंड डियर वन से अलग हो जाना कई लोग एक और आपको एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ शायद मैं थोड़ा सा मेरा टाइम आगे निकल जाए लेकिन एक मेरे पास पेशेंट आए थे डिप्रेशन के साथ नहीं डिप्रेशन नहीं डिमेंशिया के साथ एक्चुअली मेमोरी की प्रॉब्लम थी उनको Um, उनके फैमिली मेबर कहते हैं सब कुछ भूल जाते हैं गैस जलते छोड़ जाते हैं और uh, चीज़ें रख के भूल जाते हैं तो फिर uh, मैंने उनसे हिस्ट्री ली उनसे बातें करी उनकी टेस्टिंग करी कि नहीं लगा क्योंकि जब मैंने उनको तीन अक्षर दिए याद रखने को क्योंकि मैंने कहा था इनके ऊपर ध्यान देना वो एंड तक भी उनको एक घंटे बाद भी उनको याद रहे तो मुझे लगा इसमें कुछ गड़बड़ है तो मैंने उनकी फैमिली मेबर्स को बाहर भेजा तो मैंने कहा आप मेरे से बात करो क्या प्रॉब्लम है तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे दो बेटे हैं बड़े बेटे का जहाँ पास जब मैं पहले जब से यहाँ पे कैनेडा आई हूँ बड़े बेटे के पास रहती थी वहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग एटमोसफियर है आस पास और उनके जो डॉटन लॉ है उसको पंजाबी आती है बच्चे भी आराम से बात करते थे हमारे दोस्त मित्र थे तो हम वहाँ पे काफ़ी साल रहते थे तो लेकिन अब मैं छोटे बेटे के पास मूव हो गई हूँ क्योंकि छोटे बेटे के बच्चे अब छोटे हैं उनको हमारी ज़रूरत है तो हम वहाँ चले गए हैं अब वहाँ पे हैं जो डॉटर लव वो इंग्लिश बोलती है उसको पंजाबी आते ही नहीं हमारे आसपास बात करने वाला कोई होता नहीं हम सारा दिन हस्बैंड वाइफ बेसमेंट में पड़े रहते हैं और बच्चों का पालन करते हैं तो उतना सिर्फ हालात बदलने से या सोशल आइसोलेशन होने से उनके ये सिम्टम्स आने लग गए हालांकि वो दोनों बेटे ये नहीं था कि वो इन्वॉल्व नहीं थे उनके ध्यान में लेकिन उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी तो फिर मैंने एक स्टेप और आगे किया कि मैंने उन दोनों बेटों को बुलाया अपने ऑफिस में और उनके सामने मैंने प्रॉब्लम मतलब पेश की कि ये दिक्कत आ रही है तो उनको नई रियलाइजेशन थी फिर उन्होंने मेरी बात मान के उनको पहले बेटे के घर पे वापस भेज दिया तो अगली बार जब मैंने पेशेंट को देखा कोई डिप्रेशन नहीं और कोई मेमोरी प्रॉब्लम नहीं तो ये छोटी सी चीज़ है जो अगर हम समझ सकें तो इससे काफ़ी चीज़ें हल दूर हो सकते हैं फिर लॉस ऑफ लव्ड वन ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्पेशली uh, um, बड़ी उम्र के जितने हम हो जाते हैं हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर um, एक स्पाउस की डेथ हो जाती है तो वो बहुत बड़ा कारण है फिर कुछ um, लोगों के बच्चों के बच्चे पास हुए तो वो बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का फंक्शनल लिमिटेशंस आम तौर पर गोडे घुटने नहीं चलते फिर ड्राइविंग की प्रॉब्लम होती है अपने अपने बुजुर्ग में तो वैसे ड्राइविंग कम करते हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो ड्राइविंग भी करते हैं तो वे एज थोड़ी सी लिमिटेशन आने लग जाती हैं तो उनको कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है और भी सोशलाइजेशन कम हो जाती है उसके कारण और उनको डिप्रेशन लगता है मेमोरी चेंजेस का हमें हम बात कर ही चुके हैं मेमोरी चेंजेस या जिनमें एक्चुअली डिमेंशिया हो जाता है वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया में डिप्रेशन की तरह सरफेस करता है क्योंकि जब इंसान को पता चलता है या डायग्नोसिस हो जाए डिमेंशिया का उनको लगता है अब तो मेरी लाइफ गई अब मैं आगे क्या करूँगा अनकंट्रोलेबल पेन कई दर्द इंसानों को दर्दें काफ़ी महसूस होती हैं बैक पेन होती है जॉइंट पेंस होती हैं और भी बॉडी एक्स होती हैं जो किसी और को बता नहीं सकते क्योंकि कोई और समझ नहीं सकता तो so, वो जो पेन है वो फंक्शन को लिमिट करती है जो so, एक्टिविटीज़ को लिमिट करती है बाहर आना जाना लिमिट करती है उससे डिप्रेशन होता है लैक ऑफ स्लीप एंड इंसोमिया इज़ अगेन अ रिस्क फैक्टर अगर आपकी नींद पूरी ना होती हो वो फिर अगेन डिप्रेशन की तरह सर्विस करता है एंड बाकी मेडिकल कंडीशनस अब जब जितने हम बड़े होते रहते हैं डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज़ आर्थराइटिस यू नो ये सब चीज़ें साथ चलती हैं तो ये चीज़ें और हम अप, अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखते रहते हैं हम तो ऐसे होते थे हम वैसे होते थे इंडिया में ऐसे चलता था वैसे चलता था हम यहाँ पे आ गए हैं इतनी बीमारियाँ हैं ना कोई देखने डॉक्टर के ही बस चक्कर काटते रहते हैं तो मतलब जब वो थिंकिंग का साइकिल शुरू होता है तो फिर डिप्रेशन से फेस करता है सुइसाइड सुइसाइड इन एल्डरली जैसे डॉक्टर चीमा ने बिल्कुल सही बताया कि हमारी यहाँ पर हमारे कल्चर में डिप्रेशन का बहुत स्टिग्मा है कोई बात नहीं करना चाहता सुइसाइड के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचते तो आत्महत्या बोल दोगे तो उनके दिमाग में घुस जाएगा ये वर्ड जो भी डिप्रेशन में होता है चाहे एल्डरली में स्पेशली वो एक्चुअली स्टडीज़ की गई रिसर्च किया गया है कि उनसे बात करने में ये नहीं है कि आप उनको रिस्क के ऊपर डाल रहे हो पर कई बार उनका रिस्क पता चल जाता है क्योंकि वो जो प्लान कर रहा है इंसान आत्महत्या करने के वो चाहे आप पूछोगे या नहीं पूछोगे ये नहीं कि आप उनको आइडिया दे दोगे इस बात नहीं करनी ये कभी ऐसा नहीं होता तो इसलिए उनसे बात करना ज़रूरी है और सुइसाइड एल्डरली का क्या देखा गया है स्टडीज़ में कि रिस्क है तेरह परसेंट थर्टीन परसेंट दैट्स क्वाइट क्वाइट अ बिट और यहाँ पे कोकेजन um, स्टैटिस्टिक्स में या कनेडियन स्टैटिस्टिक में बोलते हैं कि जो गोरे um, आदमी होते हैं 85 फाइव ईयर्स की एज से ऊपर जिनके स्पाउस की डेथ हो गई हो उनका हाईएस्ट सुइसाइड रेट होता है हमारे में लकीली कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं फैमिली वैल्यूज़ हैं फेथ है हमारा मेन तो फेथ मैंने जो देखा अपनी प्रैक्टिस में जब भी मैं किसी ऐसे एल्डरली जनरल मैन विध डिप्रेशन से बात करती हूँ और मैं कभी उनसे पूछती हूँ खुल के कि आपने कभी ऐसे अपने जान लेने की कोशिश करी आप सोचते हैं कि मैं मर जाऊँ या कुछ ऐसे आपके दिमाग में ख्याल आते हैं तो वो कहते हैं नहीं क्योंकि मेरा जो भगवान है या रब है या जो भी कह लो वाई गुरु है उसने इस सिचुएशन में डाला तो वही निकालेगा विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई है स्टडीज़ में कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो अटैम्प्ट कम करते हैं यंगर जनरेशन से यंगर जनरेशन है कि एक सुइसाइड करने की कोशिश करेगी फिर दोबारा से पता चलता है हाथ काट लिया फिर पता चलता है कुछ और अटैम्प्ट किया लेकिन ये लोग अटैम्प्ट कम करते हैं बार बार करने की कोशिश कम करते हैं लेकिन जब करते हैं तो सक्सेसफुल तरीके से करते हैं इसलिए अगर कोई भी आपके पास आस पास आपके फैमिली में या आपके कनेक्शन में कोई ऐसा इंसान है जो इतना डिप्रेस या आपसे एक्सप्रेस करता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए ये नहीं है कि यू नो बिकॉज द रेट ऑफ दैम एक्चुअली कम्प्लीटिंग इट इज़ मोर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये इंसान हैं जिन्होंने जो सुसाइड करते हैं जो देखा गया जल्दी में उन्होंने अपने डॉक्टर को पिछले एक महीने में देखा होता है सो so इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर ने पहचाना नहीं इसका ये मतलब है कि आपने बात ही नहीं कही डॉक्टर से क्योंकि डॉक्टर के पास पाँच मिनट होते हैं या अगर पेशेंट अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा उनके फैमिली मेम्बर्स उसको सर्फिस नहीं करेंगे तो वो वो इधर उधर की बातें बताएंगे कि मेरे यहाँ दर्दें हो रही हैं वहाँ दर्दें हो रही हैं जो असली बात है वो सर्फिस नहीं करते तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली मेम्बर्स भी उस चीज़ को रेकग्नाइज़ करें और सबसे पहले डॉक्टर को ये बताएं कि डॉक्टर सभी डिप्रेस रहते हैं सो इट शुड बी ब्रॉड अप एज अ सिमटम कि वो कोशिश तो करते हैं सीख करने की लेकिन बताते नहीं हैं चैलेंजेस इन डायग्नोसिस जैसे डॉक्टर चीमा ने कहा सबसे बड़ा चैलेंज सोशल स्टिगमा लोग क्या कहेंगे उनको किसी को पता ना चल जाए हाई डिप्रेशन पे चले गए छः महीने की दवाइयाँ सारी उम्र की दवाइयाँ लग गई यू नो पहले तो ये बीमारी थी नहीं तो फिर दूसरी बाकी के और क्या चैलेंजेस एंड डायग्नोसिस में कि बाकी जो मेडिकल की कंडीशन होती हैं किसी को पेन हो रही है तो टैलना नंबर थ्री ले रहता है इसलिए सारा दिन सोता रहता है इसलिए सारा दिन एनर्जी नहीं रहती तो वो सब चीज़ें उस चीज़ को डायग्नोज नहीं होने देती ठीक तरीके से बिकॉज लगता है पता नहीं इसकी वजह से है एनर्जी कम है कि डिप्रेशन की वजह से एनर्जी कम है फिर कम्युनिकेशन स्किल्स जिन लोगों को लैंग्वेज बैरियर है फैमिली से हेल्थ वर्कर्स से डॉक्टर से ठीक से अपना बयान नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम्स ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते दैट्स अगेन अ बिग प्रॉब्लम फिर डिप्रेशन में वेग कम्पलेंट्स होंगी कि ज़्यादा वेग कम्प्लेंट्स होती हैं इसलिए सीधा डायग्नोज नहीं होता है you यू नो know, कम्पलेंट्स ये नहीं होती कि मेरे को सारा दिन रोना आता रहता है कम्प्लेंट्स दर्दों की होती हैं आम तौर कि सारे बदन में जान नहीं है सारे बदन में दर्द है फिर फैमिली सो फैमिली नॉट रिकग्नाइजिंग द सिम्टम्स दैट्स अगैन अ चैलेंज इन डायग्नोसिस मतलब फैमिली को पहचान नहीं आ रही क्योंकि ज़्यादातर फैमिली रहती है पेशेंट्स के साथ तो अगर फैमिली नहीं रेकग्नाइज कर पा रही है तो डॉक्टर को पाँच मिनट में दस मिनट में या एक अपॉइंटमेंट में नहीं पता चल सकता अब फैमिली कहे आपने बता तो दिया कि करना है डायग्नोज पर करें कैसे कैसे शक हो कि हमारे नियर एंड डियर वन को डिप्रेशन है शक का शक का आ, मतलब जब शक हो तो ये क्लूज हैं, ये कुछ हमने जो बताए हैं कि जब आप देखते हैं कि आपको जनरल बॉडी सिम्टम्स जो आपको हो रहे हैं महसूस हो रहे हैं जैसे बीमारी इतनी है और आपको सिम्टम्स इतने महसूस हो रहे हैं इसका मतलब कि कुछ अंडरलाइन प्रॉब्लम चल रही है अंडरलाइंग डिप्रेशन है फिर आप सारी चीज़ उस बीमारी का सब इलाज करा चुके हैं लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही मतलब पुअर रिस्पॉन्स टू तो ट्रीटमेंट मतलब जितने भी आप इलाज कराए हैं अपने उसे उसे लेकिन मरीज़ को आराम नहीं आ रहा इसका मतलब क्या पता अंडरलाइन डिप्रेशन हो फिर जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है वो कोऑपरेट नहीं करना चाहता मैंने नहीं दवाई लेनी मैंने नहीं एक्सरसाइज करनी मैंने नहीं यहाँ जाना मैंने कम्युनिटी सेंटर नहीं जाना एक्टिविटीज़ के लिए फिर जो आ, अगर आप सेवा करना चाह रहे हो उनकी या आप उनकी हेल्प करना चाह रहे हो वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे सो so, आप देखते हो कि वो बात ही नहीं करना चाह रहे वो आप, आप जैसे समझाते हो वो करना नहीं चाह रहे सो so, ये क्लूज़ हैं इसका मतलब कि उनको उनको हेल्प चाहिए तो वो आप उनके डॉक्टर को फिर बताओ कि ये यू नो डिप्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं है आप उनको चेक करो फिर इंक्रीज़ यूज़ ऑफ एल्कोहल एंड पेन मेड्स ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कम्यूनिटी में जब अगर वो क्लियरली अपने आप ऐसे ऊपर नहीं बता रहे तो शराब ज़्यादा पीने शुरू हो जाते हैं टालन नंबर थ्री ज़्यादा खानी शुरू हो जाती है सारी पेन मेडिकेशन ट्रेमाडोल ये सब सब चीज़ें बहुत ऊंची तादाद में हो जाती है बीमारी से ज़्यादा अब अगर उसके दूसरा पहलू देखें और हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं जो हमारे घर में है ये लोग उनको डिप्रेशन पक्का है तो कैसे लगे कि उसकी संभावना कम कब है ऐसे मतलब ये जो, जो सिम्टम्स हैं बीमारी की वजह से कब हैं और डिप्रेशन की वजह से कब है उसको टीज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिप्रेशन लेस लाइकली है अगर आप जब किसी पेशेंट को प्यार मोहब्बत दिखाते हो या बच्चे आते हैं ग्रैंड किड्स आते हैं वो पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है अप्रोप्रियटली तो इसका मतलब कि उनको आइसोलेशन है सोशल आइसोलेशन है डिप्रेशन की वजह फिर अब उनका जो तर्क करने का तरीका या कुछ बड़े लोग मुहावरे मारते हैं बोलते हैं बोलते हैं कुछ ना कुछ एक लाइनें सुना देते हैं तो वो अगर चेंज नहीं हुआ वो अपनी ह्यूमर अभी भी मेंटेन करते हैं तो लेस लाइकली है डिप्रेशन फिर वो आपकी विजिट्स को रेडीली एक्सेप्ट करते हैं यू नो वेट करते हैं कि कब केयर गिवर आएंगे या कब मेरा बेटा आएगा कब मेरी बेटी आएगी जो भी इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू सीक आउट फिर बहुत फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं और स्ट्रोंग रिलेशन रिलीजन सपोर्ट है द ट्रीटमेंट लव एंड अफेक्शन तो शो लव एंड अफेक्शन टू योर एल्डरली एंड मैंने एल ओ एल डाला है आज की जनरेशन के लिए एल ओ एल जनरेशन यूज करती है लाफ आउट लाउड लेकिन मेरे मुताबिक लॉट्स ऑफ लाफ्टर खूब हंसो एक एक्चुअली लाफ्टर थेरेपी होती है सोफिया um, मुझे फाइव मिनट का साइन दिखा रही है दिस इज़ ऑलमोस्ट द लास्ट स्लाइड। सो एक एक्चुअली लाफ ने देखा होगा है। लाफ्टर योगा या लाफ्टर थेरेपी है तो वो एक्चुअली सारे एक लॉन में खड़े होकर सब लोग इकट्ठे जोर जोर से हंसते हैं तो यू नो फोर्सड योगा ही से ही लेकिन हंसने से ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो डिप्रेशन को लिफ्ट करते हैं फिर सोशलाइजेशन खूब मिलो एक um, मैंने एक हिंदू um, जो मंदिर है यहाँ पर uh, सरी में वहाँ पर एक सीनियर सोसाइटी की मीटिंग्स होती हैं आई थिंक दैट ग्रुप इज़ वंडरफुल एक्चुअली हाँ जी हम हमने वो अटेंड किया हुए हैं ग्रुप आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड ग्रुप वी शुड हैव मोर ग्रुप्स लाइक दैट कि सारे लोग इकट्ठे होके यू you नो know, अपनी सोशलाइजेशन करते हैं एक्सरसाइजेस करते हैं हेल्थ टॉक्स करते हैं वी शुड हैव मोर ऑफ दैट इन अ कम्युनिटी फिर एक्सरसाइज का फ़ायदा देखा गया रिसर्च में थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स थ्री टू फाइव टाइम्स अ वीक इसका डेफिनेटली फ़ायदा देखा गया है साइको बाकी ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ हैं जैसे डॉक्टर जी ने बोला साइकोथेरेपी है जो काउंसलिंग है सर्विसेज जैसे फ्री सर्विसेज आज आपको और जानकारी मिलेगी उसके बारे में फिर सकाइट्रिस्ट हमारी कम्युनिटी में काफ़ी अच्छे सकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर हर इज़ राइट हियर तो वो आपको शायद दवाइयों के बारे में वो ज़्यादा बताएंगे एंटी डिप्रेसन मेरिकेशन पर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इनको स्टिग्मा की तरह ना लो टेक योर ट्रीटमेंट प्रॉपरली फिर लास्ट केस में जब बिल्कुल कोई रिसोर्ट नहीं रहता कई बार शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ता है पर वो उतना बुरा नहीं होता उसका रिस्पांस एल्डरली में स्पेसिफिकली ज्यादा होता है थैंक यू सो दिस इज माय लास्ट स्लाइड कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग